यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 2x² + 7x + 5 की गुणनखंड कीजिए। तो आज आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सेकंडों में गुणनखंड कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये लिखा ठीक है कि नहीं। इसका सही रूप होता है ax² + bx + c। ये इस रूप का होता है। अगर हमें क्वेश्चन में ये भी दे सकता है 7x + 2x² + 5, ठीक है, तो हमें लिखना कैसे, इसे इस रूप में लिखना है। सबसे पहले x² + bx आएगा, फिर आएगा अचर पद। अचर माने कोई भी संख्या आ सकती है। अब इसे हम सबसे पहले 2x² + 7x + 5 हमें लिखना है ऐसे, उसके बाद ही गुणनखंड हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। चलो हमने इसको इस रूप में लिख लिया 2x² + 7x + 5। अब हमें करना क्या है, इस x² के बगल में संख्या होती है ये, इसका हमें सबसे लास्ट वाली संख्या में गुणा करना होता है, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10 आएगा। अब इन्हें हम इनका अब हमें संख्या प्राप्त हुई है 10, तो इसके हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर तो आपको आते ही होंगे, तो इसका सबसे पहले छोटी संख्या से 5 आ जाएगा, फिर करेंगे 5 से अब 1 आ जाएगा। अब हमको इन दोनों संख्याओं का ऐसा करना है, 2 × 5 × 1 बराबर आएगा 10। तो इन इन ऐसे इन संख्याओं का गुणा करके ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ के 7 आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा 2 + 7 = 7 होता है, तो ठीक है हमें पता चल गई। तो 2x² + 2x + 5x + 5 इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 7 + 7 = 7 निकलेगा। अगर इन दोनों गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। कर 2 × 10 = 5 = 10, ठीक है। अब हमने 10 के फैक्टर कर लिए हैं 2 × 5, तो 2 × 5 हमें इन दोनों ऐसे इसके फैक्टर आए हैं, हमें ऐसी संख्या बनानी है जिन्हें जोड़ के 7 आ जाए। तो 2 और 5 को जोड़ के 7 आएगा, 2 और 5 को जोड़ के 7 आएगा, और गुणा करके 10 आएगा। तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे गुणा करके 10 आ जाए और जोड़ के 7 आ जाए। तो ये मिल गई 2x + 5x, हमें ये पता हो गई। अब इनके हम कॉमन ले लेंगे। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 और x इसमें भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x है, तो 1x बचेगा। यहाँ पर 2x पूरा ले लिया तो बचेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 5 दिख रहा होगा, तो +5 कॉमन ले लिया, अब बचा x + 1। अब हम देखते हैं, हम सवाल कर रहे हैं कि ये सही है कि गलत। तो हमको ये हमने ये कॉमन लिया है तो x + 1 सेम आ रहे हैं, तो हमारा सवाल ठीक है। अगर हमारे पर यहाँ पर 2 हो जाता और यहाँ पर x + 1 हो जाता, हम गलत कर रहे हैं। आपको यहीं से अंदाज़ा लगाना है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। तो यहाँ पर x + 1 और x + 1 कॉमन पूरे बहुपद में, तो x + 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 2x + 5 ये इसके हो गए गुणनखंड। अब अगर हमसे ये पूछता कि x की वैल्यू चाहिए, तो हम इनको 0 के बराबर रखते थे। अगर x + 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी, ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर हम 2x + 5 = 0 रखते तो 2x जो 5 है माइनस का उधर चला जाएगा, और x गुणा में है तो 2 नीचे आ जाएगा इसके 2। ये हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो गई। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।